Oh, you mean sex life? Frequency kya hai? 16 baar. बर्बाद हो गया। तुम्हें बच्चा चाहिए कि नहीं? Of course चाहिए, पर ऐसे नहीं कि बेडरूम में जाते हो ऐसा लगे जैसे सर्जिकल स्ट्राइक के ले जा रहा हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ संतोष और स्वागत है आपका आपके अपने इस चैनल टोटल एंटरटेनमेंट हिंदी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गुड न्यूज के फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, और साथ ही साथ बात करेंगे ये मूवी वर्ल्ड वाइड कितना कलेक्शन कर चुकी है और इस मूवी का बजट कितना है, कितने स्क्रीनों पर इसे इंडिया में रिलीज किया गया है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, देखते रहिएगा पूरा वीडियो। दोस्तों, अक्षय कुमार के साथ साथ करीना कपूर, दलजीत दोसांझ और कियारा आडवाणी ने इसमें ज़बरदस्त रोल निभाया है और इस मूवी में एक संदेश सभी को दिया गया है जो कि एक टेक्नोलॉजी IVF के तहत ये उन लोगों के लिए है जिनके बच्चे नहीं होते हैं, जिनके मतलब स्पर्म में कुछ प्रॉब्लम होती है, लेडीज़ या जेंट्स में बच्चे नहीं होते हैं, वो चाहे तो IVF टेक्नोलॉजी के तहत अपने घर में खुशियां ला सकते हैं। लेकिन इसे एक तरीके से मसाला दे के पेश किया गया है लोगों के इंटरटेनमेंट करके, ताकि लोगों को अच्छे लगे। लेकिन इस बारे में लोग अधिक से अधिक जानें, क्योंकि इसमें देखा गया करीब 8 मिलियन तक, पूरे वर्ल्ड वाइड में 8 मिलियन तक लोग काफ़ी खुश हैं इस टेक्नोलॉजी से, जिन्हें के घर में खुशियां मिली हुई हैं। अब हम बात कर लेते हैं मूवी के बजट के बारे में। मूवी बन के तैयार हुई है 55 करोड़ रुपए में और इसकी प्रिंटिंग और पब्लिसिटी में टोटल लग गए हैं 25 करोड़ रुपए। तो इस हिसाब से मूवी का जो बजट है वो 80 करोड़ रुपए है। लेकिन आपको कहीं ना कहीं लग रहा होगा कि इस मूवी में इतने बड़े बड़े एक्टर हैं, 4 एक्टर होने के बावजूद भी मूवी का इतना कम बजट क्यों है। दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये अक्षय कुमार सर के प्रोडक्शन हाउस में बनी पड़ी है और इस मूवी का जो फीस है वो अक्षय कुमार सर नहीं लिए हैं। इसकी जो भी रिकवरी होगी, मतलब जो भी बॉक्स ऑफिस से कलेक्शन होगा, अक्षय कुमार सर कुछ परसेंट रखेंगे, इसलिए इस मूवी का बजट कम है, नहीं तो ये 150 के आसपास चला जाता है। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं टोटल इंडिया में कितने स्क्रीन मिले। टोटल इंडिया में इसे 3500 स्क्रीन पर रिलीज किया गया है और ये मूवी 95 करोड़ रिलीज होने से पहले ही कमा ली। वो कैसे हम आपको बताते हैं। दोस्तों, हर मूवी का रिलीज होने से पहले ही जो इसके डायरेक्टर होते हैं, जो इसके प्रोड्यूसर होते हैं, वो इसके राइट्स बेच देते हैं, जैसे इसके सेटेलाइट राइट्स और इसके डिजिटल राइट्स और इसके म्यूजिक राइट्स, ये बेच करके पहले ही लोग कलेक्शन निकाल लेते हैं। मूवी का बजट वगैरह जो होता है पहले ही निकाल लेते हैं। तो इस हिसाब से ये मूवी 95 करोड़ रुपए पहले कलेक्शन कर चुकी है, यानी 15 करोड़ प्रॉफिट में पहले ही है। इसके सेटेलाइट राइट जो बेचे हैं दोस्तों, वो है 50 करोड़ रुपए में और इसके डिजिटल राइट बेचे हैं 30 करोड़ रुपए में, म्यूजिक राइट बेचे हैं 15 करोड़ में। इस हिसाब से मूवी रिलीज होने से पहले 15 करोड़ के प्रॉफिट में हो गई, यानी 95 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर चुकी है। अगर हम पहले दिन के कलेक्शन की बात करें दोस्तों, तो इस ये मूवी एक ज़बरदस्त ओपनिंग की हुई है और दबंग 3 को पीछे कर दे, क्योंकि दबंग 3 का जो पहले दिन का कलेक्शन था वो 24 करोड़ 50 लाख रुपये मात्र था। और इसका ग्रॉस कलेक्शन की अगर बात करें, इंडिया में टोटल जो ग्रॉस कलेक्शन हुआ है वो 26 करोड़ रुपए का कलेक्शन, अभी तक जो डाटा सामने आया है 26 करोड़ रुपए टोटल कलेक्शन हो चुका है। फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है ये मूवी सुपर हिट हो पाएगी कि नहीं, कितना कलेक्शन कर लेगी? वैसे अगर मैं बता दूं तो आपको 160 से 200 करोड़ के बीच में कलेक्शन रहने वाला है इसका। आपको क्या लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपने गुड न्यूज मूवी देख रखी है तो मूवी आपको कैसी लगी ये भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप वीडियो हमारी पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल पर पहली बार, तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। जय हिंद, जय भारत।